अग्रबंधु सेवा मंडल राया के तत्वाधान में जीव जल सेवा पात्र प्रकल्प का शुभारंभ किया गया। दाऊजी मंदिर गोपाल बाग में राया नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अखिलेश दीक्षित, समिति अध्यक्ष अमित गोयल के द्वारा जीव जल सेवा पात्र प्रकल्प का शुभारंभ किया गया। अध्यक्ष अमित गोयल ने बताया कि ये पात्र नगर के विभिन्न जगहों पर रखे जाएंगे और इन पात्रों में प्रतिदिन जल भरा जाएगा। मुख्य अतिथि अधिशासी अधिकारी ने बताया कि ये संस्था द्वारा एक सराहनीय पहल है। नगर में आवारा पशु आराम से अपनी प्यास बुझा सकते हैं। महामंत्री कुशल अग्रवाल ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज में रहकर समाज की उन समस्याओं के लिए कार्य करना है जिसकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते। सदस्य योगेश गौतम और सौरभ ने बताया कि मंडल द्वारा आगे भी जरूरतों को देखते हुए इन पात्रों की संख्याओं को बढ़ाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी जीव जल के लिए इधर उधर ना भटके। समिति के अमित गोयल ने बताया कि ये पात्र माठ रोड, गंगानगर रोड, रामलीला मैदान, सादाबाद रोड इत्यादि स्थानों पर रखे जाएंगे। इनकी जिम्मेदारी भी संस्था के सभी सदस्यों की रहेगी। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये अग्रबंधु सेवा मंडल की तरफ से जो ये कार्य किया गया है बहुत ही, और इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ हूँ। कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहिए? हमारे नगर पंचायत राया क्षेत्र के गौरव रक्तदाता फाउंडेशन द्वारा नित्य नए ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जाते रहे हैं जिसके लिए हमारा पूरा समाज गौरवान्वित रहा है। उसी कड़ी में आज रक्तदाता फाउंडेशन के तत्वावधान में बेजुआनों की सेवा के लिए, उनकी जल सेवा के लिए ये पात्रों की व्यवस्था की गई है, जो बहुत ही सराहनीय पहल है। और ये ऐसे स्थलों पर रखी जाएगी जहाँ पर कहीं पर ऐसे आवारा जो जानवर हैं, बेजुआन है, वो आकर के मान पी सके। वैसे नगर पंचायत ऐसे जानवरों को पकड़ करके वो आश्रय में छोड़ने के लिए अभियान भी चला रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई भी ऐसा घूमता हुआ जानवर मिल जाता है तो उसको प्यासा ना रहना पड़े, इसके लिए इन्होंने ये व्यवस्था की है, बहुत ही सराहनीय। जो कार्यक्रम किया गया है किसके सौजन्य से किया गया, क्या कहें इसको? श्री अग्रबंधु सेवा मंडल राया के द्वारा बेजुआन जीवों के लिए जीव जल सेवा पात्र अधिकारी और अग्रवाल सभा के अंदर राजकुमार अग्रवाल के द्वारा किया गया है। ये नगर के विभिन्न जगहों पर, विभिन्न स्थानों पर रखे जाएंगे जिसमें प्रतिदिन जल की सेवा की जाएगी।